आकरा तापना कारणे राज्यमां हाहाकारनी स्थिति मची गई छे। जोरदार गर्मी पड़ी रही छे। आग ओकती गर्मीमां शेकायो गुजरात। आगामी 5 दिवस गर्मीथी हजु नहीं मळे कोई राहत। अमदावाद अने सौराष्ट्र तेमज उत्तर गुजरातमां हीटवेवनी आगाही। दक्षिण गुजरातना वलसाड अने सूरतमां हीटवेवनी आगाही। तो बनासकांठा अने साबरकांठामां पण रहेशे हीटवेव। आणंद, सुरेन्द्रनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ तमाम जग्याए हीटवेवनी आगाही। तो अमदावाद, भावनगर, पोरबंदर में रात्रि पण गरम रहेशे। बनासकांठा, पाटण, महेसाणा जिल्लामां ऑरेंज एलर्ट। गांधीनगर, अमदावाद अने आणंद जिल्लामां पण ऑरेंज एलर्ट। सूरत, भावनगर, राजकोटमां ऑरेंज एलर्ट। तो साथे ज अमरेली, जूनागढ, पोरबंदरमां पण ऑरेंज एलर्ट आपवामां आव्यो छे। कच्छ अने वलसाडमां ऑरेंज एलर्ट। अमरेली, साबरकांठा जिल्लामां येलो एलर्ट आपवामां आव्यो छे। 45.3 डिग्री साथे डीसा राज्यमां सौथी गरम शहर नोंधायो छे। आग झरती गर्मी पड़ी रही छे। हीट वेव की वार्निंग आने वाले 5 दिनों के लिए दी गई है। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ दोनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे, और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हीट वेव की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, सूरत और वलसाड। और सौराष्ट्र रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हीट वेव की वार्निंग दी गई है वो है सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर। अभी आने वाले 5 दिनों की बात करेंगे और 2 दिन आउटलुक की बात करेंगे तो गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। अभी हीट वेव का कंडीशन और वार्म नाइट आज और कल के लिए ये बना रहेगा आने वाले दिनों के लिए। और कोस्टल एरिया के लिए गुजरात और सौराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे डिसकम्फर्ट कंडीशन दिया की वार्निंग दी गई है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के कारण।